हेलो फ्रेंड्स आज मुझे आप लोगों के साथ एक नया प्रोटोकॉल जो हम खुशी में कर रहे हैं उसके बारे में बात करनी थी जिसको कहते हैं सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल तो जैसे मैं थेराप्यूटिक लिसनिंग करती हूँ जो कि एक ऑडिट्री इंटरवेंशन प्रोटोकॉल है उसी तरीके से सेफ़ एंड साउंड प्रोटोकॉल भी एक ऑडिटरी इंटरवेंशन प्रोटोकॉल है अब इस प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं कि इसमें हम बच्चे को ओवर द ईयर हेडफोन्स यानी कि जो कान के ऊपर से जो हेडफोन्स आते हैं वो लगाते हैं और हम वो बच्चे को सुनाते हैं इसमें जो मेन फोकस है वो ये है कि हम बच्चे की वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं एक्टिकली यानी कि कानों के माध्यम से हम बच्चे की वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं और जब हम वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं तब हमें बच्चों में बहुत सारे फायदे दिखाई देते हैं जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ तो बेसिकली जो सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल है वो डॉक्टर स्टीवन पॉजस की पॉलीवेगल थ्योरी पर बेस्ड है उस पर उसका पूरा जो मिडिल ईयर के मसल्स होते हैं जो कान के बीच में जो मसल्स होते हैं मिडिल ईयर के उनको हम स्टिम्यूलेशन देते हैं और जब हम उस तरीके से स्टिमुलेशन देते हैं तो हम वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं हमारा वो न्यूरल नेटवर्क जो हमें ध्यान देकर सुनने में मदद करता है उसे हम स्टिम्यूलेट करते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पास आते हैं जिनका ईयरिंग यानी कि कान से सुन पाना उसकी जो क्षमता होती है वो प्रॉपर होती है लेकिन कान से सुनकर उस बात को समझकर उस पर रिस्पोंड कर पाना या उसका कहा हुआ जो सुना हुआ है उसको सही ढंग से जवाब दे पाना इस चीज़ में कहीं ना कहीं बच्चे अटक जाते हैं तो एस एस पी एक और एक जरिया है जिससे हम बच्चों को स्टिमुलेट करते हैं यूजुअली uh, कैसे होता है कि इसमें हम बच्चे को हम पाँच घंटे का म्यूज़िक सुनाते हैं और ये पाँच घंटे का म्यूज़िक एक प्रोटोकॉल होता है ओके okay, तो ऐसा नहीं कि एक पाँच घंटा एक ही दिन सुना देना है बट बच्चे के आ, क्या कहेंगे लेवल के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि भाई आज पाँच मिनट सुन लो कल दस मिनट सुन लो कुछ बच्चे पंद्रह मिनट सुन पाते हैं कुछ बच्चे बीस मिनट सुन पाते हैं कुछ हैं जो आधा घंटा सुन पाते हैं तो जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनको मैं चेक करती हूँ कि भाई बच्चा कितनी देर सुन पाएगा मैं पेरेंट्स को गाइड करती हूँ बहुत सारे सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल के प्रैक्टिशनर हैं अगर आपके बच्चे को एनजाइटी रिलेटेड इश्यूज है यानी कि ना बहुत सारे बिहेवियर्स हैं काफ़ी सारे सेंसरी uh, बिहेवियर्स या ध्यान नहीं देना जब हम बात करें तो सुनना नहीं या साउंड सेंसिटिविटी होना यानी कि ना जैसे आसपास में कोई बाइक की साउंड हो गई या मिक्सर का साउंड हो गया या वैक्यूम क्लीनर का साउंड हो गया बहुत सारे बच्चे जिनके पास छोटा भाई या बहन है उनके रोने की आवाज़ नहीं यू नो टॉलरेट कर पाना उससे परेशान हो जाना और फिर आकर गुस्सा करना तो ये टाइप की जो चीज़ें हैं इनमें मैंने बहुत सारे बच्चों में फ़र्क देखा है तो पाँच घंटे का प्रोटोकॉल होता है जो बच्चा सुनता है हर दिन पेरेंट ईमेल करते हैं उस तरीके से मैं काम करती हूँ और हम ऐसे करके मिलकर पाँच घंटे का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं फिर चाहे बच्चा बीस दिन लगाए पच्चीस दिन लगाए तीस दिन लगाए या दस दिन में ख़त्म करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से करना है ये बहुत ही फ्लेक्सीबल टाइप का प्रोटोकॉल है अब इसमें क्या होता है वो लोग जो पॉलीवेगल थ्योरी है उसमें ये है कि जो हमारी वेगस नर्व है वेगस का मतलब होता है वॉन्डरिंग पंजारन यू नो सब जगह घूमने वाली तो वो बॉडी में बहुत लंबी क्रीनियल नर्व है इसके ब्रांचेस हमारे हार्ट के पास भी जाते हैं हमारे लंग्स के पास भी जाते हैं हमारे पेट के पास भी जाते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाते हैं हमारे बात करने के जो मसल्स हैं उनके पास जाते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के जो मसल्स हैं उनके पास जाते हैं डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली जाते हैं तो जब हम बच्चों के साथ एस एस पी करते हैं सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल करते हैं तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस में बात जब बच्चा करता है ना तो एक क्या कहेंगे हमारा एक टोन होता है हम ना ऐसे ऊपर नीचे एक लय में बात करते हैं कई सारे बच्चे मुझ मुझ मेरे पास जो आते हैं वो लोग बात करते हैं। जैसे आंटी खाना खाना है पानी पीना है यू you ना know, एक, एक एक टोन में ना जो लय होता है जो रिदम होता है वो नहीं होता है तो जब हम एस एस पी करते हैं तो वो रिदम जो टोन ऑफ वॉइस में आता है फेशियल एक्सप्रेशन में बदलाव आता है ओवरऑल सेंसरी इश्यूज़ में काफ़ी हद तक बदलाव आता है एन्जाइटी जो बच्चे में जो ओवरऑल जो कहते हैं ना चंचलता एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ पा रहा है फोकस नहीं कर पा रहा है उन चीज़ों में भी बच्चों में बदलाव मैंने देखे हैं तो ये सारे एरियाज़ में हमें बदलाव दिखाई देते हैं कुछ अगर मैं एग्ज़ाम्पल्स बताऊं तो कुछ बच्चे हैं जब मैंने उनके साथ एस किया था मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि मुझे नहीं पता क्या फ़र्क पड़ेगा आपके बच्चे में और आपका बच्चा बड़ा है जैसे कुछ बच्चे थे पंद्रह साल के बारह साल के तो मैं खुद श्योर नहीं थी कि बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट आएगा लेकिन बड़े से बड़े बच्चों के साथ भी मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है और छोटे से छोटे जो जैसे दो ढाई साल के बच्चों के साथ भी मैंने एस किया और उनमें भी भी मुझे काफ़ी सारा बदलाव दिखाई दिया है कुछ बच्चे थे जिनको जैसे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी का प्रॉब्लम था या उनके जो पेट रोज़ साफ नहीं होता था या बहुत कड़क पॉटी आया करती थी तो उन बच्चों में भी मैंने बदलाव देखा है बच्चे इनिशिएशन लेने लगते हैं सामने से होकर बात करना शुरू कर रहे हैं सेंटेंसेस कर रहे हैं मैं ये नहीं कहूँगी कि एक मैजिक है और सब कुछ एकदम से ठीक हो जाता है नहीं बट हर बच्चे में थोड़ा ना थोड़ा तो फ़र्क दिखाई दिया है जो सबसे ज़्यादा मुझे फ़र्क दिखाई दिया है वो ये है कि हर बच्चे में जो साउंड की सेंसिटिविटी थी कि भाई एक पर्टिकुलर गाने को लेकर या मिक्सर को लेकर या यू you नो know, कोई बच्चा रो रहा है तो उसकी आवाज़ को लेकर जो सेंसिटिविटी थी जो कान बंद करता था बच्चा या यूँ ऐसे बंद कर रहा था वो टाइप की चीज़ों में मैंने काफ़ी सारा बदलाव देखा है एक बात ज़रूरी है कि जब हम एस एस पी कराते हैं या सेफ़ एंड साउंड प्रोटोकॉल बच्चे के साथ करते हैं तो ब्रेन हमारा रीसेट हो रहा होता है तो नर्वस सिस्टम रीसेट हो रहा होता है इसका मतलब ये है कि एक कॉमन फिलोसफी है जैसे हम कहते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन कम्स बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन तो कई बच्चों में हमको डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म रहेंगे अगर आप अपने थेरेपिस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो वो थेरेपिस्ट डिसऑर्गेनाइजेशन के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक मैनेज कर लेते हैं लेकिन जितने बच्चों के साथ मैंने किया है मैंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी साथ में देखे हैं दूसरी बात यह है कि कई सारी बात जब हम बच्चों के साथ एस कर रहे होते हैं तो उन पाँच घंटों के दौरान ही मुझे कई बच्चों में इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देता है और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उन पाँच घंटों के दौरान कोई भी चेंज नहीं आता है विच इज़ एब्सोल्यूटली ओके एंड जब उनका जैसे ना दो हफ्ता हो गया या चार हफ़्ता हो गया उसके बाद मतलब एस खत्म करने के दो चार हफ्ते के बाद काफ़ी सारे एरियाज़ में हमें इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देते हैं तो मेरे कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि हर बच्चे में सेम तरीके का इम्प्रूवमेंट आएगा किसी में ज़्यादा टाइम लगता है किसी में कम टाइम लगता है एस में तीन प्रोग्राम्स होते हैं जैसे हम एस कनेक्ट कहते हैं एस कोर और एस बैलेंस ऐसे करके तीन लेवल्स होते हैं ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदा उस लेवल बाय लेवल ऊपर नीचे जाएगा मैं बच्चों के फंक्शनिंग के हिसाब से कि भाई क्या इम्प्रूवमेंट आया उसके हिसाब से मैं कई बार प्रोग्राम सेम रिपीट भी कर देती हूँ तो इस तरीके से ये सेफ़ एंड साउंड प्रोटोकॉल होता है अगर आप अपने बच्चे के साथ सेफ़ एंड साउंड प्रोटोकॉल मेरे ज़रिए कराना चाहते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो इन्फ़ो एट खुशी डॉट नेट डॉट इन और हम लोग ये आपके बच्चे के साथ कर सकते हैं ठीक है सो आई होप ये प्रोग्राम और ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया आपको हेल्प किया हो एक और चीज़ मैं बताना भूल गई वो ये है कि इस प्रोटोकॉल में जैसा इसका नाम है सेफ एंड साउंड तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा सेफ़ महसूस करे यू you नो know, इसमें हम वो प्रोटोकॉल बेस्ड ऐसा नहीं कि बैठो कान पे हेडफोन लगाओ ध्यान दो ये सारे जो चीज़ें हैं मैं यूजुअली पेरेंट्स को गाइड करती हूँ जब मैं उनके साथ बच्चे का सेशन ऑब्जर्व कर रही होती हूँ लेकिन बहुत 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 ज़रूरी कंपोनेंट या बहुत ज़रूरी हिस्सा जो इस प्रोग्राम का है वो ये है कि बच्चे ने सेफ़ महसूस करना चाहिए उसके बाद साउंड आता है पहले साउंड इंटरवेंशन नहीं आता है पहले सेफ्टी और बच्चे को सुरक्षित महसूस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सो आई होप ये आपको हेल्प किया हो एंड कुछ एरियाज जिनमें मैंने बच्चों में इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं वो है स्लीप टॉयलेट पॉटी ट्रेनिंग साउंड सेंसिटिविटीज़ लैंग्वेज सेंसरी इश्यूज़, अटेंशन फोकस यू नो इन सब एरियाज़ में इंप्रूवमेंट्स आते हैं ये एस एस पी का प्रोग्राम बच्चों के ऊपर करने के पहले मैंने खुद पर किया था अपने बेटे पर किया था अपने हस्बैंड पर किया था और हमने खुद ने इसके फायदों को अपने बॉडी में महसूस किया है सो so, ये सिर्फ बच्चों के साथ किया जाता है ऐसा नहीं है ये एडल्ट्स के साथ भी होता है एस का एक अडल्ट अलग प्रोग्राम है जो एनजाइटी हम सब में जो स्ट्रेस होता है एनजाइटी होती है उसके लिए भी इसे यूज़ किया जाता है सो आई जस्ट थाट एक ये इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दो बिकॉज़ कई पेरेंट्स जो मेरे पास आ रहे हैं वो जानना चाहते हैं क्या है एंड आई थाट ये इन्फॉर्मेशन सबको हेल्प करेगी थैंक यू